जय श्री कृष्ण आप सबको। मैं शामी सोरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेज टाइम ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज का ये मेरा ब्लॉग है वो ये है कि मुझे कई व्यूअर्स ने ये कहा कि मैम आप विदाउट कैलिपर्स विदाउट क्रचेस कैसे वॉक करते हो, स्लीपर कैसे पहनते हो अपने, उसको रिमूव कैसे करते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस ब्लॉग में दिखाऊँगी। और सबसे पहले मैं अपने लेंस लगाऊँगी क्योंकि मैं मोस्टली वैसे लेंस घर में कम यूज़ करती हूँ, आई लेंस चश्मा ही लगाती हूँ, ज़्यादा स्पेक्स यूज़ करती हूँ, बट मैं आज आपको लेंस लगा कर दिखाती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए मैंने अपने लेंस को पहन लिया है, लगा लिया है और अब मैं आपको स्लीपर दिखाती हूँ कि कैसे पहनना है। स्लीपर पहनने के लिए मुझको पैरों को हाथ से ही उठाना पड़ता है और स्लीपर को भी हाथ में ही लेना पड़ता है। इस तरह से मुझे स्लीपर को पहनना पड़ता है क्योंकि पैर अपने आप तो मूव करता है नहीं, और लेफ़्ट लेग में तो मुझे बिल्कुल ही पैर को उठा के अच्छे से स्लीपर लगाने पड़ते हैं क्योंकि स्लीपर के पीछे मैंने जो इलास्टिक है वो घर पे ही लगाई हुई है क्योंकि विदाउट इलास्टिक मैं स्लीपर पहन ही नहीं सकती हूँ क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं पैर में, तो वो सपोर्ट नहीं कर पाती स्लीपर। अब यहाँ पे सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है तो मैं अपना कदम ही नहीं कर पाऊंगी, स्ट्रेचिंग ही बढ़ा पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। इम्पॉसिबल ऐसे हो जाएगा, बट सपोर्ट मुझे चाहिए ही चाहिए। तो दो क्रचेस का सहारा लेना ही पड़ता है क्यों, क्योंकि जब मैं क्रचेस का सहारा लेती हूँ तो मुझे यहाँ सपोर्ट मिल जाता है आर्म पे। देखिए अभी की तरह फील कर पाती हूँ, और जब मैं चलती हूँ तो ये जो मेरा राइट वाला है वो पीछे की तरफ थोड़ा सा बैंड होता है, ऐसे पीछे की तरफ जाता है। मैं कैलिपर पहनूंगी तो वो बैंड होने से ऐसे रुक जाता है। सपोज मेरी कच्ची जगह मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा पीछे हो जा, चीज़ मेरे पास नहीं है और मुझे पीछे बैठना है तो ऐसे सपोर्ट देंगे, मैं ऐसे बैठ जाती हूँ फिर ये स्लीपर खोल देती हूँ। और खड़े होने के लिए मैं थोड़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो अगर आपको प्लीज़ मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।